तो आप अकेले नहीं आ पा रहे थे भाई, इनको भाई पहले इनको एसपी साहब के पास भेजो, पालक को कि इन पे एफआईआर कराया गया कि बच्चों को परेशान कर रहे हैं। बच्चों को परेशान नहीं कर रहा हूं भाई, बच्चों को बच्चे आप भी आपको मैं दिखाता हूं। शिवपुरी के ग्राम सेवड़ा के करीब 30 बच्चे इकट्ठा होकर अपने पालक के साथ आज जनसुनवाई जिला कलेक्ट्रेट में पहुंचे, जहां उन्होंने साइकिल की मांग की है। बच्चों ने बताया कि उनका स्कूल 3 किलोमीटर दूर पर है और वह रोजाना जाने में असमर्थ है, इसलिए उन्हें साइकिल वितरित की जाए। शासकीय उत्कृष्ट माध्यमिक विद्यालय में पढ़ने वाले कक्षा 10वीं के छात्र छात्राओं की 21 संख्या है, वहीं 9वीं के छात्र छात्राओं की संख्या 33 है। जानकारी के अनुसार कलेक्टर को दिए गए आवेदन में ग्रामीणों ने बताया कि उनका शासकीय उत्कृष्ट माध्यमिक विद्यालय ग्राम सेवड़ा के नाम से बना है, जो कि ग्राम पंचायत हिम्मतगढ़ में बना है, जिसकी सेवड़ा से दूरी लगभग 3 किलोमीटर है। वहीं नियम के अनुसार हिम्मतगढ़ के बच्चों को साइकिल वितरित की जा रही है, जबकि वास्तविक स्थिति में विद्यालय से हिम्मतगढ़ की दूरी केवल 100 मीटर ही है, जबकि विद्यालय से ग्राम सेवड़ा की दूरी 3 किलोमीटर से भी अधिक है, जिसके चलते ग्राम सेवड़ा के छात्र छात्रा नियमित रूप से विद्यालय जाने में असमर्थ है। इसलिए आज ग्राम पंचायत सेवड़ा के कई बच्चे अपने पालक के साथ जनसुनवाई में साइकिल की गुहार लगाने पहुंचे। डिप्टी कलेक्टर ने एफआईआर की दी धमकी। डिप्टी कलेक्टर अंकुर रवि गुप्ता जब जनसुनवाई कर रहे थे, तभी बच्चे पालक के साथ जनसुनवाई में पहुंचे। यहां डिप्टी कलेक्टर अंकुर रवि गुप्ता ने पालकों को एफआईआर की धमकी दे डाली। उन्होंने कहा कि आप खुद भी शिकायत लेकर आ सकते थे, बच्चों को परेशान क्यों किया, दुर्घटना की संभावना भी बनी रहती है, इतने बच्चे क्यों लेकर आए, अकेले भी आ सकते थे, कुछ तो शर्म करो। वहीं अंकुर रवि गुप्ता ने बताया कि पोर्टल पर उनके स्कूल की दूरी कम दिखाई दे रही है, ये भी हम दिखवा रहे हैं। जी मेरा नाम खुशी राठौर है। कहाँ से आए हो? ग्राम सेवड़ा से हम आए हैं। बच्चे आए थे बहुत सारे, क्या समस्या लेके आए थे? जी ये साइकिल की समस्या लेके आए थे, साइकिल लेना नहीं मिल रही है, उसके लिए आए थे हम लोग सब। स्कूल कहाँ पे है आपका? हमारा स्कूल नाम सेवड़ा के से है, लेकिन बन हिम्मतगढ़ में गया है, जहाँ हम पैदल जाते हैं पढ़ने। कितने बच्चे होंगे? करीबन 54 बच्चे हैं हम लोग। आप अंदर आपने ज्ञापन दिया, क्या कुछ बोला सर? हमने बोला तो वो लोग बोलते हैं कि ये हमारे जो हमारे साथ आए थे उनसे बोलते हैं कि आप बच्चों को लेकर क्यों आए हो, आपको बच्चों को लेकर नहीं आना था, ये सब हमें बोल रहे हैं वो लोग। भड़क रहे हैं अंदर? हाँ, हम पे भड़क रहे हैं जी। हाँ साथ में आए? हाँ आए हैं हमारे साथ। हमारे कितने बच्चे आए आपके? हम करीब हैं 31-32 बच्चे हैं हम 30 तक। कितने किलोमीटर आप पैदल जाते हैं? जी हम 3 किलोमीटर पैदल जाते हैं गाँव से। कौन लेके आए थे आप? हमारे साथ आए हैं, हमारे गांव के पालक आए हैं हमारे साथ। क्या नाम है उनका? प्रजापति। तो शिक्षा विभाग में दिखवा रहे हैं उनका क्या इशू है, कोई टेक्निकल इशू बताया गया है जिस वजह से स्कूल का डिस्टेंस कम दिखाई देता है, तो उसका दिखवा के करवा रहे हैं। बाकी कुछ पालक और एक NGO इनके बच्चों को इकट्ठे लेके आए थे, तो उसकी भी जाँच करा रहे हैं कि प्रॉपर फोरम में आके अगर वो जांच करते, अकेले आके बच्चों को लाने की ज़रूरत नहीं थी, तो उन पर भी कार्रवाई करने का प्रयास करेंगे। आपने FIR की भी बात करी इसमें? FIR की बात सिर्फ उनको पूछने के लिए की है कि भाई इतने बच्चों को लेके आने की क्या आवश्यकता थी, अगर किसी बच्चे का एक्सीडेंट हो जाए, 50-100 बच्चे लेके आए हैं, तो उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा। तो उनको समझाया गया है कि आगे से ऐसा ना करें। बाकी उनके द्वारा बताया गया कि कोई NGO है जिसके द्वारा ऐसा बच्चों को बरगला के लाया गया है, तो उनके विरुद्ध भी दिखवा रहे हैं कि क्या कर सकते हैं।